हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, बहरोड पुलिस ने 10 लाख की फिरौती व अपहरण मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 बदमाशों को 3 अवैध हथियारों सहित जिंदा कारतूस व 2 गाड़ियां जब्त की गई। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि 11 अगस्त को बहरोड के बरडोंग जाते समय मोबाइल व्यापारी को बंधक बनाकर बदमाशों के द्वारा लूट व अपहरण कर मामले बहरोड थाने में पीड़ित व्यापारी ने मामला दर्ज कराया था। अपहरण व फिरौती का मामला गंभीर होने पर नीमराणा डीएसपी महावीर सिंह व बहरोड थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच शुरू की गई। संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें पूरा मामला सामने आ गया। पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि गिरफ्तार किए बदमाश चंद्रशेखर उर्फ मोंटी पुत्र वीरेंद्र सिंह खाती निवासी रामपुरा नारनोल हरियाणा, जोगेंद्र यादव पुत्र पप्पू सिंह अहीर निवासी खापरिया बहरोड, पवन सैनी पुत्र उमेश चंद सैनी महावीर चौक नारनोल हरियाणा, तेजपाल पुत्र बजरंग सिंह निवासी सरुंड जयपुर ग्रामीण को बापरदा गिरफ्तार किया है। साथ ही वारदात में उपयोग ली गई गाड़ी ब्रेजा व बोलेरो को जब्त किया है। साथ ही एक देशी कट्टा पिस्टल, 315 बोर देशी पोना हथियार भी जब्त किए है। वहीं पकड़े गए सभी बदमाश आदतन अपराधी है, जिन पर अलग अलग धाराओं में दर्जन भर मामले दर्ज है। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी मोंटी ने बताया कि वारदात से 3-4 दिन पहले मोबाइल खराब होने पर दुकानदार से मोबाइल ठीक कराने गया था, जिस पर दुकानदार की दुकान में अच्छी सेल होती है और व्यापारी शाम को अपने घर जाते समय मोटी रकम लेकर जाता है। उसके बाद उसकी रेकी की गई कि व्यापारी कब अपने घर जाता है और कौन कौन इसके साथ होते हैं। और 11 अगस्त को बहरोड के कल्याणपुरा गांव के पास व्यापारी को बाइक से उठाकर अपनी गाड़ी में पटक लिया, जिसके बाद उसको अलग अलग जगह ले जाकर उसको यातनाएं दी और रुपये मंगाने के लिए मारपीट की। उसके बाद शाहजहांपुर ले जाकर पंजाब बैंक की डुप्लीकेट पासबुक बनवाकर 50,000 रुपये निकाले और बहरोड के पास हाईवे के पास पटक कर चले गए। वहीं इस मामले में खुलासा करने वाली टीम थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश, सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार, हेड कांस्टेबल जनार्दन, मनोज बलदेव, सोनू ओम प्रकाश, नरेश कुमार, सुनील कुमार को पारितोषित किया जाएगा। भी रिकॉर्ड प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो प्रारंभिक रिकॉर्ड मिला है वो काफी इनको आदतन अपराधी और बदमाश साबित करने के लिए पर्याप्त है। सर, और गैंग में भी इसमें शामिल हो सकते हैं और बदमाश, जिस तरह इन्होंने इस गैंग में ही हमने 6 लोगों को तो चिन्हित किया है, 4 हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, 2 और बाकी हैं। इसके अलावा तफ्तीश चल रही है। ये लोग जो है अपने राजस्थान के जो इलाका और हरियाणा से जो लगता हुआ इलाका वहाँ ऑपरेट करते हैं, लूट खसोट करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। सर जी, ये व्यापारी रैंडमली नहीं, इस व्यापारी से इन्होंने जो है रेकी की थी। घटना 11 अगस्त को, 11 अगस्त से पहले शायद 8 या 9 अगस्त को इन अभियुक्तों में से जो मुख्य अभियुक्त है मोंटी, वो इनकी दुकान पे आया था व्यापारी के मोबाइल ठीक करवाने के बहाने, और पूरी रेकी इनका सारा हुलिया हुलिया देख के किधर से आते जाते हैं सारा मालूम करके इनकी दुकान पे आया था। बाकी साथी यद्यपि बाहर खड़े थे, रेकी की गई है और व्यापारी की जो मोबाइल की दुकान है